राहुल गांधी अमेरिका गए तो पीछे पीछे नंबर बढ़ाने के लिए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष राजा वडिंग भी पहुंच गए। वडिंग ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संबोधन में हिस्सा लिया और उसके बाद में इसकी तस्वीरें ट्वीट की। उसके कुछ देर बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जो कुछ ही देर में वायरल हो गया। वीडियो क्लिप में जो आदमी राजा वडिंग के वाहन के करीब आते हैं और उनमें से कुछ एक कहते हैं पगड़ी पहने एक सिख खिड़की के पास जाकर जैसे ही कुछ कहता है वैसे ही वाहन तेजी से आगे बढ़ता है। वह सिख चिल्लाते हुए पीछे भागता है। अमेरिका स्थित वर्ल्ड सिख पार्लियामेंट ने कांग्रेस पर 1984 में न्यूयॉर्क के जेविट्स सेंटर में एक समारोह आयोजित करके स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दर्द को बढ़ाने का आरोप लगाया। इस कार्यक्रम में राहुल गांधी और अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने हिस्सा लिया था। अमेरिका में सुबह वडिंग ने पोस्ट किया कि खालिस्तानी तत्वों ने खालिस्तानी नारे लगाए, राहुल के कार्यक्रम में घुस आए। वीडियो संदेश में कहा कि खालिस्तान का एजेंडा कभी सफल नहीं होगा, उनके पास अलगाववादी मिशन का कोई रोड मैप नहीं है, हम भारतीय हैं और हम अपने देश की रक्षा करेंगे। वडिंग ने वीडियो शेयर कर कहा जा रहा है कि वह मौके से भाग गए, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सिख मेरे पास आया और मुझे कहा कि बात करनी है, मैंने कहा कि आज आप बात कर लें। उसका दूसरा साथी वीडियो बनाने लगे, ऐसे लोगों का मकसद माहौल खराब करना है, मैं कोई भागा नहीं हूँ। राजा वडिंग ने कहा कि ये लोग पेड लोग हैं जिनका मकसद माहौल खराब करना है। राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। बीते दिनों ही राजा वडिंग ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो डालकर पंजाबियों से सहयोग की मांग उठाई थी। गांधी इस समय न्यूयॉर्क में हैं। राजा वडिंग ने इंटरनेट मीडिया पर लाइव होकर कहा कि वह पहले भी खालिस्तान के विरोध में थे और आगे भी खालिस्तान के विरोध में रहेंगे। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।